प्लेटर तो आपको मैंने बहुत दिखा दिए, आज आपको दिखा रहे हैं कराची का सबसे पहला कड़ाही प्लेटर जो मिलेगा देसी फूड्स पर। सिर्फ 2000 रुपए में 5 कड़ाहियां खाएं और वो भी अपनी मर्जी की। भाई देखें, ये कड़ाइयों का प्लेटर जो है तैयार हो चुका है, साथ में सैलेड भी है और पांचों कड़ाइयां भी तैयार है। चलो भाई इसको जरा ले जाओ, टेबल पे ले जाओ। ये झींगा कड़ाई और ये वाली, ये बोनलेस कड़ाई। भाई ये देखें, ये चिकन शाही कड़ाई और ये वाली, ये फिश कड़ाई है और ये ब्रेन मसाला मगज छिनवारी कड़ाई। तो ये है भाई फिश कड़ाई, फिश वाली। ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा टक्कर दे जाएगी। कुछ मैं बदलना चाहूँ कड़ाई तो बदल भी सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है कि अगर आप कहते हो कि भाई ये वाली सबसे अच्छी है तो मुझे 5 यही चाहिए। अच्छा, तो 5 की 5 यही मिल जाएंगी। तो देसी फूड्स पे ये ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। आप चाहें तो आप ऑप्शनल अपना जो कस्टमाइज करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमारे साथ रिजवान भाई भी है आज। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ कढ़ाई खाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर कढ़ाई प्लेटर खाने के लिए आए हैं। भाई आज 4 से 5 कढ़ाइयाँ जो है वो मैंने सुना है, 4 से 5 अभी कंफर्म नहीं है, 5 है या 4 है, लेकिन पूरा एक थाल बनता है भाई, उसमें चारों पांचों ये लगती है भाई कढ़ाइयाँ और मिक्स कढ़ाइयाँ होती है। यार मुझे तो बड़ा दिल चाह रहा है यार, भूख लग रही है। तो फिर मेरे ख्याल से अब देसी फूड्स सगीर सेंटर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बिस्मिल्लाह लासानी के नाम से इनका रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर मैं पहले भी आकर वीडियो बना चुका हूँ, कढ़ाई इनकी काफ़ी अच्छी होती है मुनासिब पैसों में। तो अब रेट क्या है वो तो अंदर चल के देखते हैं और क्वालिटी क्या है वो रिजवान भाई बताएंगे। ठीक है, तो चलकर फिर देखते हैं क्या सीन है। ठीक है, चले तो भाई देखें माशाल्लाह कढ़ाइयाँ ही कढ़ाइयाँ नजर आ रही हैं यहाँ पर। भाई ये वाली कौन सी बन रही है जुबैर भाई? ये चिकन कढ़ाई है। ये चिकन कढ़ाई है, चिकन छिनवारी। और ये वाली? ये चिकन बोनलेस है। बोनलेस है। ये वाली? ये फिश कढ़ाई है। ये फिश छिनवारी कढ़ाई। और ये वाली? ये मगज छिनवारी। और ये वाली? ये झींगा छिनवारी कढ़ाई। तो भाई माशाल्लाह देखें कैसे सारी कढ़ाइयाँ, भाई ये कढ़ाई प्लेटर की तैयारी हो रही है। और भाई हमारे माशाल्लाह एक साथ इनका इतना तेज हाथ चल रहा है, ये 1 2 3 4 5 पांचों कढ़ाइयां लगी हुई है भाई साथ ही। भाई हमने काफी देखा कि कराची के अंदर जो है वो बारबेक्यू प्लेटर चल रहे हैं, फास्ट फूड प्लेटर चल रहे हैं। हमने देखा कराची के अंदर जो है वो कढ़ाई प्लेटर कहीं पे भी नहीं। ठीक है, तो बस इसी सोच से थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा दिमाग लगाया तो ये कढ़ाई प्लेटर बनाया। माशाल्लाह, सिर्फ 2000 रुपए के अंदर हम ये कढ़ाई प्लेटर दे रहे हैं। कढ़ाई प्लेटर यानी कि एक ही कढ़ाई होगी, उसमें क्या मिक्स कढ़ाई है, कैसे जरा बताएं तो सही। इस प्लेटर के अंदर हम 5 किस्म की कढ़ाई दे रहे हैं। अच्छा, और इसमें ऑप्शन है आपके पास, चिकन कढ़ाई ले, बीफ ले, मगज ले, बोनलेस में ले, कीमा कढ़ाई ले, झींगा कढ़ाई ले, फिश कढ़ाई ले। अच्छा, झींगा और फिश भी मिलेगी, सी फूड का आइटम भी। और फिश भी है इसमें, आप चाहें तो पांचों की पांचों चिकन कढ़ाई ले लें, चाहें तो आप पांचों की पांचों मगज कढ़ाई ले लें। अच्छा, ये ऑप्शनल कर दिया आपने, जबरदस्त। तो ये कितने लोगों की सर्विंग होती है, उसमें कैसे हैं, क्या है जरा बताएं। ये तकरीबन 7 से 8 अफराद तो रज बस के जो है समझ लें, पेट भर के थापड़ किस्म के लोग जो है वो इंशाल्लाह खा लेंगे। अच्छा, तो साथ में रोटी वगैरह फिर? जी जी, इसके अंदर जो है इस प्लेटर के अंदर हम 5 कढ़ाइयां दे रहे हैं, रायता सलाद दे रहे हैं, 5 तंदूरी नान है, 5 चपातियां ये हम दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको मजीद जरूरत पड़ती है, जैसे अफराद 10 है, 8 है, 2 है और मजीद रोटियों की जरूरत पड़ती है तो वो अलग से वो ले सकते हैं आप। जी भाई, अगर आप आसानी से बताऊं कि गुलशन की तरफ से आ रहे हैं तो इम्तियाज़ स्टोर जो है वो आप क्रॉस करेंगे, UBL कॉम्प्लेक्स थोड़ा और क्रॉस करेंगे तो लेफ्ट पर ही आपके सगीर सेंटर और अब्दुल्ला सेंटर के फ्लैट्स आएंगे। इसी के दरमियानी गली में आप आ जाएं तो लेफ्ट पर ही आपको देसी फूड मिलेगा। ये हमारा दरअसल रेस्टोरेंट जो है वो देसी फूड के नाम से और बिस्मिल्लाह लासानी देसी रेस्टोरेंट के नाम से भी ये मशहूर है। तो आप आए इंशाल्लाह, आपको भरपूर जो है वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत करेंगे। और टाइमिंग क्या रखी हुई है अभी? ये टाइमिंग जो कढ़ाइयों की है खासकर, जैसे तो हमारा रेस्टोरेंट सुबह से खुल जाता है, सुबह में बकरे के पाए और बड़े के पाए, दम का कीमा निहारी वगैरह होती है, लेकिन कढ़ाइयों के लिए स्पेशली आपको आना है तो मगरिब के बाद से लेकर और लेट नाइट तक, रात को तकरीबन 3:30-4 बजे तक आप यहाँ पर आ सकते हैं। इंशाल्लाह रात को आएँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। भाई देखें, ये कढ़ाइयों का प्लेटर जो है तैयार हो चुका है, साथ में सैलेड भी है और पांचों कढ़ाइयाँ भी तैयार है। चलो भाई इसको ज़रा ले जाओ, टेबल पे ले जाओ। चलें भाई अब रिव्यू करके बताते हैं आपको। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रिजवान भाई जनाब
क्या सीन है ये, मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच कढ़ाइयां? ये तो काफी महंगी आई होंगी, मेरे ख्याल में आपने मंगा तो नहीं आपने, मगर पेमेंट करने के लिए पैसे हैं आपके पास? यार पैसे तो हैं, लेकिन मसला पता है क्या है, ये बहुत सस्ता है, ये कढ़ाई प्लेटर है। अच्छा, ये कढ़ाई प्लेटर बहुत सस्ता है। पहली बार नाम सुन रहा हूँ कढ़ाई प्लेटर। आपने सुना अभी तक कराची में? मैंने तो नहीं सुना था। और पांच कढ़ाइयां हैं मेरे सामने तो, और कितने की है गैस करो आप, एक अंदाजन। पाँच हजार की तो होंगी ये? बिल्कुल भी नहीं, एक और गैस चलो आपको दे देते हैं। फिर कितने की और महंगी? और सस्ती है। सस्ती है जी, ये 3000 की तो होंगी, इससे कम की नहीं हो सकती भाईजान। ये है सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए की। सिर्फ 2000? जी हाँ जी हाँ। और इसमें मैं आपको बता दूंगी कौन कौन सी। भाई ये वाली कौन सी कढ़ाई है जरा बताते जाए जरा। ये झींगा कढ़ाई, और ये वाली ये बोनलेस कढ़ाई भाई, ये देखें ये चिकन शाही कढ़ाई, और ये वाली ये फिश कढ़ाई है, और ये ब्रेन मसाला मगज शनवारी कढ़ाई। तो भाई रिजवान भाई आप इंतजार किए बिना बातें बहुत हो गई, जल्दी जल्दी से ना आप जरा। कितने लोग खा सकते हैं? कितने लोग खा लेंगे? यार मेरे ख्याल से खा लेंगे कोई 7-8-9-10 तकरीबन, इतने लोग तो खा ही लेंगे, बहुत सारी है यार। और मैंने यहाँ पहले खाया हुआ है तो क्वांटिटी के हिसाब से ना, कढ़ाई की क्वांटिटी के हिसाब से एक बंदा दो बंदे जो है ना एक कढ़ाई खा लेते हैं। अच्छा, तो ये मगज शनवारी से रिजवान भाई स्टार्ट करें, फिर थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा है कि भाई ये देखें भाई जरा आप, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह भाई, हमने बाइट बना लिया। रिजवान भाई आप भी जरा खाएं, खा के यार आप इतनी तारीफें कर रहे हैं तो खा के देखना ही पड़ेगा। वाह बिस्मिल्लाह रिजवान भाई, बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है, सही जगह हाथ मारा पहला। अच्छा अमूमन ऐसा होता है कि आप जो है ना बहुत सारी चीजें खा रहे हो ना, थोड़ा तक टेस्ट में वो हो जाता है। अच्छा भाई ये वाली हमारी कौन सी थी? प्रॉन्स। तो भाई ये प्रॉन्स, आजो भाई आजो 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 भाई आजो, ये देखें भाई प्रॉन्स। रिजवान भाई हो रही भाई नियत, फिर आ जाए। इतना जल्दी रिव्यू आपने नहीं किया होगा पहले। अच्छा प्रॉन कढ़ाई पहले मैं ट्राई कर चुका हूँ इसलिए मुझे पता था। हालांकि मुझे कढ़ाई में जो ना प्रॉन में कढ़ाई चीन लगती है बड़े मजे की, मजे की है। लेकिन मुझे तो खैर ये अभी तक नंबर वन चल रही है, नंबर वन ये चल रही। अच्छा भाई ये क्या है? ये भाई बोनलेस, ये जरा देखें भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। रिजवान भाई इसका पहला बाइट आपका, इसका पहला बाइट आपका है। चलें भाई चलें, जरा रिजवान भाई से ट्राई करवाते हैं। रिजवान भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये क्रीम वाली जो है वो वाली क्रीम वाली जो थी ना वो है, ये क्रीमी है फुल, उस पर जो वाइट कढ़ाई है मेरा। वाइट नंबर वन अभी वही, अभी तक मेरे हिसाब से नंबर वन वही। इस पे आ जाए रिजवान भाई। भाई ये कौन सी है? चिकन शाही। वाह भाई वाह, इसमें भी क्रीम का भाई टॉपिंग हुई हुई है रिजवान भाई। इसमें क्रीम का तड़का लगा भाई, आप भी खाइए ना यार। दो जगह मैंने शुरू कर लिया था, दो जगह हिसाब बराबर करें, आखिरी पे मैं जीत जाऊंगा। सही है ना। टमाटर वाली तो थोड़ा सा टमाटर का टेस्ट आ रहा है ना, थोड़ा जो एक वो डिफॉल्ट फ्लेवर वो होता है ना उसका, एक ट्रेडिशनल फ्लेवर, ट्रेडिशनल फ्लेवर। बिल्कुल बिल्कुल। अब लास्ट रह गई है रिजवान भाई, जल्दी से इसको भी जरा ट्राई कर लें। अब ये कौन सी हमारी लास्ट? ये है भाई फिश कढ़ाई, फिश वाली। ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा टक्कर दे जाएगी, तैरती हुई तो नजर नहीं आ रही क्योंकि वो अच्छा पानी नहीं है ना ये। अच्छी यार फिश वाली भी, फिश वाली भी मजेदार है, बट मेरे लिए विनर यही है। रिजवान भाई आप क्या कहते हैं? और ये भी अच्छी है ये वाली भी। देखिए कढ़ाइयाँ माशाल्लाह सारी अच्छी हैं। ऐसा होता है कि आपको ना कभी कभी अमूमन सबका टेस्ट एक जैसा लग रहा होता है, लेकिन सबका टेस्ट अलग है। अच्छा कुछ मैं बदलना चाहूँ कढ़ाई तो बदल भी सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है कि अगर आप कहते हो कि भाई ये वाली सबसे अच्छी है तो मुझे पांच यही चाहिए। अच्छा, तो पांच की पांच यही मिल जाएंगी। ये है तो देसी फूड्स पे ये ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा, अच्छा, आप चाहें तो आप ऑप्शनल अपना जो कस्टमाइज करवा सकते हैं, कस्टमाइज करवा सकते हैं। आप बोलो भाई मुझे दो ये चाहिए, दो ये वाली चाहिए, इस तरह का सीन बनता तो बेहतरीन है ना भाई, फिर लोगों को रेकमेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई यहाँ पर आकर लोकेशन में यहाँ की अटैच कर दूंगा, और माशाल्लाह यहाँ पर कढ़ाइयों का सीन भी ऑन है। इसके अलावा भी लातादाद चीजें हैं यहाँ पर जो आप आकर यहाँ पर खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को रिजवान भाई फिर एंड करते हैं। मेरे ख्याल से अभी ये खत्म करना असल आसान नहीं है, मोहल्ले वालों को बुलाना पड़ेगा, चलते फिरते लोगों को रोकना पड़ेगा। आ जाओ भाई आ जाओ। तो इंशाल्लाह आप लोगों से किसी और वीडियो में किसी और अच्छी लोकेशन पर रिजवान भाई के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।